हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सरप्राइजिंगली मैं अपने स्केड्यूल टाइम से काफ़ी देर पहले उठ गई हूँ और मुझे लगता है पेरेंट्स शॉक में आने वाले हैं, पर आज बहुत सारा पेंडिंग काम है जो मुझे पूरा करना है। अभी धूप लग रही है, चश्मे भी टूट गए, तो मुंह धो के अभी मैं नीचे जाऊंगी चाय लेने के लिए और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, गुड मॉर्निंग। गाइस, चाय आ गई है मेरी। मतलब मैंने खुद ही बनाई है। मुझे कम दूध वाली चाय पसंद है। अनफॉर्चुनेटली वो जैसी कॉफी वहां पर मिलती है ना बाहर कैफेज में, वो बिल्कुल नहीं बनती घर पे। तो मैं बैठ के चाय पीऊंगी एंड थोड़ा सा मैक पे काम करूंगी, क्योंकि मेरा एक एजुकेशनल चैनल भी है और उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, एडिट करती हूँ। तो काफी पेंडिंग काम था और अब मैं वो करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेकफास्ट टेबल पे। बाय बाय गाइस, आज हमारे शेफ जी पोहा बना रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने तेल उबालने रख दिया। यहाँ पे इन्होंने टमाटर, लहसुन, प्याज, पोहा, कड़ी पत्ता और यहाँ पर मटर उबाल लिए और गाजर। अब देखो, मैं आपको मस्त तरीका बताती हूँ पोहा बनाने का। अभी वो मूंगफली भी निकाल रहे और उन्होंने राई भी निकाली है, मुझे सिखा भी रहे। मुझे ना पीनट सूट नहीं करते, तो उन्हें पता है कि मेरा अलग ही निकाल देते हैं। सबसे पहले पीनट या मूंगफली डालेंगे तेल गरम होने पे। अब इन्होंने लहसुन डाला, अब टमाटर धोएंगे
अब बोल सकते हो। अब राई डाल दो। प्याज डाल दो।
ही निकालना। गाइस ये हो गया मेरा पोहा अलग, अब मूंगफली डाल के सबके लिए बनेगा। बहुत ज़्यादा है, कम कर दो थोड़ा बस। थैंक यू। मैंने ब्रेकफास्ट करके मास्क लगा लिया, चारकोल मास्क, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो वो भी देखना है, तैयार भी रहना है। एक्चुअली हुआ ये था कि बाहर जाके इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, अभी भी बेल बजी है, कि मतलब सब लोग देख के बोल रहे थे कि बहुत टैनिंग हो गई है और स्किन भी ख़राब हो गई थी। मैं यहाँ पर इंडिया में रोज़ मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ, सुबह शाम बहुत बार, क्योंकि मुझे ना फेस वॉश या केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने की आदत नहीं है। तो देखो अब आगे क्या होता है, तैयार भी होना है। ये मास्क भी लगा लिया, आई डोंट नो कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, ज्यादा कुछ ज्यादा काम नहीं करता, बट एक साइकोलॉजिकली आपको रिलीफ मिलता है कि हाँ आपने कुछ किया। तो आपको मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, एडिटिंग का काम खत्म करके फिर मिलते। गुड इवनिंग। एडिटिंग ही रिव्यू कर रही थी मैं तब से, अब थोड़ा सा हेडेक हो रहा है फिर से, मुझे लग रहा है टेंशन की वजह से ना माइग्रेन अटैक फिर से हो गया है। तो अब चाय पी के मैं फ्रूट्स लेने जाऊंगी मार्केट और आप लोगों को फिर मिलती हूँ मैं। तो गाइज एडिटिंग करते करते भूख लग गई, कल की थोड़ी सब्जी बच गई थी पनीर की, उसके अलावा आलू बैंगन और रोटी खाऊंगी और फिर साथ में बैठ के एडिटिंग करूंगी। गाइज ये देखो हमारे भैया लगे हुए हैं सफाई करने के लिए, माली भैया, और सामान नीचे पड़े, कहाँ चढ़े हुए हैं। बहुत अच्छी कटिंग करते हैं ये देखो। मैं आपको लॉन दिखाऊंगी एक दिन, और देखो मैं नीचे से भी दिखाती हूँ। मेरा रूमी उदास,
तो ले आई पर बहुत बोगस निकला, 3 अनार आए बहुत महंगे और अब मैं बैठ के अनार खाऊंगी, शायद कुछ बेटर हो जाए तभी। हाय गाइस, अनार खा लिया था मैंने बट अभी मेरे हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, मुंह धो लिया था मैंने सोने के लिए और मुझे याद आया मैंने आप लोगों को गुड नाइट ही नहीं बोला। तो कड़ी चावल मैं ले आई हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि मैं खाऊंगी या नहीं, और आज मैंने इयररिंग्स भी डाल लिए, बड़ा दर्द हो रहा था बट क्रीम लगा के डाल लिए। तो मैं आप लोगों को कल सुबह मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ध्यान जरूर रखना।